आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संग्रह 23। इसमें प्रश्न दिया है, नीचे दी गई दो संख्याओं के मध्य आने वाली तीन परिमेय संख्याएं लिखो। तो इन प्रश्नों को हल करते समय हमें ध्यान में रखना है कि जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनका आधार समान होगा तो हमको दोनों संख्याओं की तुलना करने में आसानी होगी। और इसके बाद संख्या रेखा तुम लोग जानते ही हो, संख्या रेखा पर एक तरफ ऋण संख्याएं, दाहिनी तरफ बाईं तरफ सॉरी धन संख्याएं दाईं तरफ और बाईं तरफ ऋण संख्याएं होती हैं और बीच में शून्य होता है। उस आधार पर हम दो संख्याओं की तुलना करके उसके मध्य आने वाली तीन परिमेय संख्याएं आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अभी हम सवाल हल करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे आधार समान है तो हम आसानी से लिख सकते हैं 2/7 के बाद 3/7, 4/7 और 5/7। यहाँ 6/7 हमको दिया ही हुआ है, यानी ये जो तीन संख्याएं हैं ये 2/7 और 6/7 के बीच में आ जाएंगी और ये हमारा उत्तर होगा। अब दूसरे प्रश्न में हमें दिया है 4/5 और यहाँ 2/3 दिया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि दोनों के हर को समान करना है। जैसे 4/5 है, इसकी समतुल्य संख्या हम लिखेंगे। समतुल्य संख्या लिखने के लिए अगर हमने यहाँ पे 6 का गुणा किया, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 6 30 होगा, 10 3 30 हो सकता है, दोनों का हर समान कर सकते हैं। तो ये 4/5 लिखा और यहाँ पे 4/5 का समतुल्य करना है तो 6 का गुणा कर दो, यहाँ पे यहाँ भी 6 का गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया, 6 चौक 24/30। इसी तरह 2/3 की 2/3 का समतुल्य हम कर लेंगे, 2/3 का समतुल्य हर हमको 30 चाहिए तो यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे, यानी 2×10/3×10 ये कितना हो जाएगा, 20/30। अब यहाँ पे देखिए हर समान हो गया, यहाँ 24 है, यहाँ 20 है, इसको हम लिख सकते हैं, ये इसका आया 24/30, यहाँ लिख लेते 24/30 और इसका 20/30 आया। अब इनके मध्य देख सकते हैं 20/30 है, 24/30 है, इसके मध्य में क्या आएगा, 20 के बाद 21, ये 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30 और फिर 24/30, यानी ये तीन संख्याएं, तीन परिमेय संख्याएं जो मध्य में होगी इनके 4/5 और 2/3 के, ये होंगी। अब तीसरे प्रश्न में देखिए, यहां ऋण 2/3 है और ये 4/5 है, ये ऋण संख्या है, ये धन संख्या है। जब ऋण और धन संख्या रहे तो मध्य की तीन परिमेय संख्याएं निकालना आसान रहता है। पहले हम तो समतुल्य कर देंगे, यहाँ पे 5 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए, दोनों के हर समान हो जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2/3×5 और यहाँ पे देखिए 4/5 है, यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए और अंश और हर में ये हो जाएगा ऋण 10/15 और यहाँ पे 4 3 12 12/15। अब देखिए दोनों के हर समान हो गए हैं। अंश को देख लेंगे, यहाँ धन 12 है, ऋण 10 है, तो कई संख्याएं आ जाती हैं जो संख्या रेखा पर रहती हैं, हम कोई भी तीन संख्या इसमें से लिख लेंगे। जैसे ऋण 10 है, ऋण 10 के पहले क्या आता है, ऋण 9 आता है,
ऋण 9/15 भी हो जाएगा, ऋण 8/15 हो जाएगा। धन की तरफ से अगर हम देखना चाहें तो 12 के पहले 11 आता है तो 11/15 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और भी संख्याएं आएंगी, आप कोई भी 3 संख्या लेकर के लिख सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 7/9 और ऋण 5/9। यहां पर देखिए एक धन संख्या एक ऋण संख्या है, दोनों के आधार समान है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब 7/9 और ऋण 5 यानी धन 7 और ऋण 5 के बीच में संख्या रेखा पर आप सोच सकते हैं कितनी संख्याएं हैं। आसानी से कई संख्याएं तो आपको मिल जाएंगी, तो हम यहाँ पे 7/9 और इसके बीच में यानी 7 के पहले जो संख्या होती है 6/9 लिख सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं, ऋण 5 है ऋण 5 के पहले ऋण 4/9 लिख सकते हैं। और भी संख्याएं आएंगी लेकिन हमको 3 संख्याएं कहा गया है इसलिए हम इतनी ही संख्याएं लिख करके छोड़ सकते हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, ऋण 3/4 और 5/4 है, यहाँ पे दोनों के आधा हर समान दिए हुए हैं और यहाँ पे ऋण 3 है धन 5 है, धन और ऋण संख्याएं हैं तो आसानी से जो मध्य की संख्याएं हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऋण 3/4 है, ऋण 3/4 के पहले ऋण 2/4 हो जाएगा, ऋण 1/4 हो जाएगा, धन है धन के पहले की एक संख्या ले लीजिए 5/4 है, 0 भी आ सकता है यहाँ पर, धन और ऋण है तो एक 0 भी लिख सकते हैं आप, और ये 5/4 है यानी ये हमारी संख्याएं 3 संख्याएं हो गई परिमेय संख्याएं। इसी तरह यहाँ पर देखिए यहाँ पर हर समान नहीं है तो पहले हम हर समान कर लेंगे तभी हम तुलना कर पाएंगे। तो यहाँ पे 7/8 है, 3 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 3 का कर दीजिए और यहाँ पे ऋण 5/3 गुणे 8 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 8 का, अब ये हो जाएगा 7×21/24 और यहाँ पे 8×5=40, ऋण 40/24। अब ये ऋण 40 है और ये 21 है, इनके मध्य में जो 3 संख्याएं होती हैं आप लिख सकते हैं कोई भी 3 संख्या, 21 के पहले की संख्या क्या होगी 20, 20/24, इसके पहले 19/24 और ऋण 40 के पहले की कई संख्याएं हैं ऋण 39/24, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कई संख्याएं हैं, आप कोई भी 3 संख्या लेकर उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल है 5/7 और 11/7, ये तो बहुत ही सिंपल है, दोनों धन संख्याएं हैं 5 और 11 के बीच में कई संख्याएं हैं तो ये उत्तर हो जाएगा 5/7, 4/7, 3/7, 2/7, 11/7, कई संख्याएं हैं आप कोई भी 3 ले सकते हैं। तो हमारा ये उत्तर हो गया। अगला हमारा प्रश्न है 0 और ऋण 3/4 के मध्य में आने वाली 3 परिमेय संख्याएं हमको लिखना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं समतुल करना पड़ेगा हमको क्योंकि 0 है यहाँ ऋण 3 है तो कम संख्याएं मिलेंगी, हम क्या करेंगे ऋण 3/4 का समतुल्य भिन्न लिख लेंगे। ऋण 3/4 का समझ लीजिए हम 2 का गुणा करते हैं यहाँ पे 2 का, तो ये कितना हो जाएगा ऋण 6/8 हो जाएगा और यहाँ पे शून्य है और ऋण 6/8 यानी ऋण 6 और शून्य के बीच में कितनी संख्याएं कई संख्याएं हैं, हम शून्य के बाद की संख्या लिख सकते हैं ऋण 1/8, ऋण 2/8, ऋण 3/8, और भी संख्याएं हैं, हमें 3 संख्याएं चाहिए तो हम 3 संख्या यहाँ पे लिख देंगे। अब हम प्रश्न संग्रह 24 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न दिया हुआ है नीचे दी गई परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखो। प्रश्न है 13/4, भाग करने सभी को आता ही है दशमलव का,
यानी 13 में 4 से भाग देना है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 13 में 4 से भाग देना है। तो अभी कैसे हो जाएगा, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 से कम, 4 दूना 8, 4 तियाई 12, तो 4 तियाई 12, 3 में से 2 गया 1। अब भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव बढ़ाएंगे और दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2। अब देखिए यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर 4 पचे 20, जैसा हम भाग करते जाते हैं उस तरह से करते जाएंगे, हमारा उत्तर आ गया 3.25। दशमलव रूप में लिखना था, हो गया हमारा ये। अभी हम दूसरा सवाल करेंगे। अगला सवाल है ऋण 7/8, तो हम 7 में 8 से भाग देंगे, यहाँ पे करते हैं, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 70 हो जाएगा, 8 × 8 = 64, 10 में से 4 गए 6, 0 बढ़ेगा, 8 × 7 = 56, घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4, 0, 8 × 5 = 40, घटा देंगे, यानी हमारा ऋण 7/8 का उत्तर कितना आ जाएगा, या मैं उत्तर लिख दे रहा हूँ, ऋण 0.875। अब अगला प्रश्न है 7 / 3/5, इसको हल कर लेंगे हम, 7 × 5 = 35, 36 × 37 = 38, 38/5, 38 में 5 से भाग देना है हमको, 38 में 5 से भाग देना है, 5 × 7 = 35, बता देंगे 8 में से 5 गया 3, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, 5 × 6 = 30, ये हमारा उत्तर हो गया 7.6। अगला प्रश्न है 5/12, 5 में 12 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 50 हो जाएगा, 12 × 4 = 48, घटाएंगे 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 12 × 1 = 12, यहाँ पे आ जाएगा 8, और फिर 80 हो जाएगा, 12 × 6 = 72, घटाएंगे 8 आ गया, देखिए फिर से वही संख्या यहाँ पे 8 आया था, फिर से वापस 8 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से भाग 6 ही जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे रोक देंगे हम, इसका उत्तर हम लिख सकते हैं 0.416, और यहाँ पे 6 के ऊपर हम डॉट लगाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि यही 6 वापस पुनः पुनः आने वाला है, यहाँ पे 8 है देखिए, फिर से 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे, इसका मतलब जो है 6 पुनः पुनः आने वाला है। अगला है 22/7, ये पाई का मान होता है, और पाई का मान होता है 3.14, अक्सर हम लोग लिखा करते हैं, भाग करके हम देखेंगे
22 में 7 से भाग करना है, सात्रिक 21, दोनों से गया एक, 10 मिनट लगेगा, 10 आएगा, फिर 7 एक कम 7 बढ़ाएंगे, 3 आया, 0 बढ़ाया यहाँ पे, 7 चौक 28, फिर 2 आएगा घटाने पे, 0 बढ़ाएंगे, 7 दुना 14, 10 में से 4 गया 6, 0 बढ़ाया यहाँ पे, 7 8 56, 4 आएगा यहाँ पे, फिर अब यहां मैं लिख देता हूं 40 हो जाएगा ये, 7 5 35, 5 आया यहाँ पे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49, 1 आया यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक है, यानी वही रिपीट होने वाला है फिर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या पुनः रिपीट होने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 22 बटे 7 का जो उत्तर आएगा ये पूरा का पूरा रिपीट होने वाला है। एक आ गया यहाँ पे, देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, वही संख्या रिपीट होने वाली है। और जब रिपीटेशन रहता है तो हम क्या करते हैं, ये पुनः आने वाला है तो इसके ऊपर पूरे के पूरी संख्या के ऊपर लाइन खींच देंगे। यानी 22 बटे 7 का उत्तर कितना आ गया, 3.142857857, और इसके ऊपर ऐसी लाइन खींच देंगे, यानी वह पुनः आने वाली संख्याएं। अगला है 4/3, भाग करके देख लेंगे हम। देखिए 3 एक कम 3, 4 में से 3 गया, 10 मिनट लगा देंगे, 3 त्रिका 9 बटाएंगे, 1 आ गया, पुनः वही संख्या आ रही है। तो इसका उत्तर कितना हो गया, देखिए 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 था तो इसका उत्तर हो गया 1.3। इसी तरह 7/9 है, देखिए यहाँ पे 7 में 9 से भाग देना है, 0, 10 मिनट लगाएंगे, 70 हो जाएगा, 9 7 63, घटाएंगे, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी 7 हो रहा है, 0 बढ़ाएंगे तो 9 7 63 पुनः आने वाला है, 9 7 63 घटाएंगे, 10 में से 3 गया 7, रिपीटेशन होने वाला है फिर से। यानी इसका उत्तर कितना आ गया, 0.7। प्रश्न संग्रह 25 के प्रश्नों को हम हल करेंगे। नीचे दी गई पदावली हल करो। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बाई तरफ से अगर धन भाग है या गुणा है तो वो क्रिया हम पहले करते हैं। तो पहले हम करेंगे 50 × 5, 50 × 5 यानी 250 भागे 2 धन 24। बाकी संक्रिया वैसे ही लिख देंगे, बाकी पद वैसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हल करेंगे, 250 में 2 से भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 125 धन 24। जोड़ देंगे, जोड़ने की क्रिया है तो 149। यहाँ पे देखिए पदावली दिया हुआ है, पहले जो पदावली में ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे। इसको हम हल करेंगे, 13 × 52, बाकी सब उसी तरह उतार देंगे हम, एक एक करके करेंगे, हम एक एक संक्रिया करेंगे। अब यहाँ पे 52 में 2 से भाग देना है तो भाग दे देंगे, यहाँ पे 26 आ जाएगा, ऋण 26, और 26 में से 26 गया तो
शून्य। अब अगला प्रश्न देखिए, 140 भागे इतना दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो छोटा ब्रैकेट है उसको हल कर लेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे पद को पूरा, तो 11 3 33 धन 33 हो जाएगा ये, फिर ऋण, यहाँ पे देखिए ऋण ऋण धन हो जाएगा, ये करने के बाद ये पद हम कर सकते हैं, ये ऋण है, 14 में 42 से भाग दिया तो ऋण 3 आ जाएगा, 14 3 42 ये संख्या हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये हो जाएगा 140 भागे 33 धन 3 ऋण 1, ऋण ऋण धन हो जाता है, धन 3 ऋण 1, ये हो जाएगा 140 भागे 33 और 3 36 में से 1 गया 35। इस तरह से हमने सभी ब्रैकेट हल कर दिया। अब 140 में 35 से भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए धनु कोष्टक है, छोटा कोष्टक है और बड़ा कोष्टक है, तो पहले हम क्या करेंगे, छोटा कोष्टक हल कर देंगे जहाँ पर भी है, तो इसका हो जाएगा 220 में से 140 गए तो आ जाएगा 80, और धन यहाँ पे देखिए 10 × 9 है 90, धन यहाँ 5 × 2 = 10 ऋण 10 आ जाएगा, धन ऋण 10, ये बड़ा कोष्टक हो गया, ये धनु कोष्टक और ये ऋण 100। एक एक स्टेप करेंगे हम, यहाँ पे आ गया 80 धन 90 ऋण 10, यानी 80 आ जाएगा यहाँ पे, ये ब्रैकेट भी हल हो गया हमारा, और यहाँ पे बचा 100। अब देखिए 80 और 80 160, ये ब्रैकेट भी हल हो गया, ऋण 100, यानी उत्तर कितना आ गया 60। अगला सवाल देखिए, पहले हम इसको हल करेंगे, 3/5 हम इसी तरह लिख देंगे, यहाँ पे धन का निशान है, अगर एक कट रहा है तो काट सकते हैं हम, या पहले लिख देते हैं 3/8 गुड़े ले 4/6 हो जाएगा, भाग का गुड़ा हो जाएगा, अंश का हर, हर का अंश हो जाएगा। अब एक 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8 अब यहाँ पे देखिए 3/5 धन, यहाँ पे अंश में 1 बचा और यहाँ पे 2 × 2 = 4 त्रिया गुणा कर देंगे, यहाँ पे 4 × 3 = 12 धन 5 × 1 = 5 और ये 5 × 20 12 × 5 = 17/20 ये हमारा उत्तर हो जाएगा।